नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्सेल टिप्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ग्राम्यता सरकारी की जो परीक्षा है वो 22 और 23 दिसंबर को होने वाली है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आप लोगों को लगभग 2500 प्रश्न कराऊंगा, ठीक। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग हमारी डेली डेली वीडियो मिलेंगी आप लोगों को। पर डे अगर मैं बात करूँ, एक वीडियो में दोस्तों मिनिमम 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप लोगों को 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश विशेष में सारे के सारे UP SSC में आए हुए पुराने प्रश्न है, ठीक। यहाँ पे आज दो वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को। इस वीडियो के अंदर दो भाग होंगे, भाग एक और भाग दो। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मुझे बेस्ट टीचर ऑफ द अवार्ड मिला हुआ है नवंबर मंथ के लिए, ठीक। तो ये वो सीनरी है, सील्ड है, जिसके साथ में मुझे मिला हुआ है, ठीक। देख सकते हैं आप लोग, तो ये वो बैच है जो कि मुझे मिला हुआ है क्लेवर इन्वेंशन अवार्ड। मेरी जो ट्रिक्स होती हैं वो सारी निराली होती हैं, इस वजह से इसे मुझे मिला है, ठीक। और इस नाम से आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं दोस्तों, केवल वीडियो एग्जामिनेशन के लिए हैं। और बता देना चाहता हूँ, मैं दोस्तों UPSC कैटेगरी में 7वें नंबर का एजुकेटर हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक। 7वें नंबर पे हूँ अनअकैडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सारे के सारे ग्राम्यता सरकारी के प्रश्न, और ये जो मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी अनअकैडमी पर प्रेजेंट है, ठीक। बहुत सारी वीडियो से इतना अगर आप कर लेते हो तो मिनिमम दोस्तों आप लोगों के 30 से 35 मार्क्स कहीं नहीं गए। सारी की सारी अनअकैडमी की वीडियोज़ देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कन्या कक्षा 12 में उत्तीर्ण छात्राओं को कितनी धनराशि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के उस टाइम 30,000 रुपये दिए जा रहे थे 12वीं पास की छात्राओं को, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तब। नेक्स्ट है कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, पत्रकारों की सहायता के लिए किया गया 1880, यह हेल्पलाइन नंबर है, तो इस बात को याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो दोस्तों, कम क्षेत्रफल वाले जो जनपद है वो है संत रविदास नगर। अगर कुल एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो कुल एरिया है दोस्तों 960 वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। लखनऊ की साक्षरता दर दोस्तों जो है, यहाँ पर जो ऑप्शन उस टाइम आए थे उनमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसकी जो रियलिटी में दर है वो है 277.29%। तो ये आपको याद करना है, 77.29। ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने वैसे ही रख दिए थे जैसे कि पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट था, इस वजह से बच्चों को। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। तो उत्तर प्रदेश के अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें तो ये सरोजनी नायडू थी, तो याद रखेंगे। और पहली दोस्तों जो महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम सुचेता कृपलानी था, आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। मतलब तांबा क्या हो, तांबा जो पाया जाता है वो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर एकमात्र ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर तांबा पाया जाता है। तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, घर में मम्मी बच्चों क्या बोला, लल्ला बुला देते, लल्ला। तो लल्ला जब काम नहीं करते क्या करते हैं, ताइना देते। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ललितपुर तांबा, ठीक। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। नींबू की अगर बात करें तो दोस्तों, नींबू जो उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है, ठीक। तो इसकी भी छोटी सी जुगाड़ ये है कि नींबू, देखो नींबू जो होता है दोस्तों बहुत ही छोटा सा होता है, और उसे उगने के लिए सहारा की जरूरत होती है, ठीक है, सहारे की जरूरत होती है। तो याद देखेंगे, नींबू सहारा, सहारनपुर और मेरठ, मठे की तरह खट्टा होता है, तो मेरठ ऐसे कुछ याद लगा सकते हो। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये सोवियत रूस, मतलब जिसे रसिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सकरा तकनीकी संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, ये जो स्थित है ये है कानपुर में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कानपुर, इस बात को याद रखें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था। उत्तर प्रदेश की अगर प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो ये थे बिसंबर दयाल, ठीक, बिसंबर दयाल थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1977 से लेकर के 1982 इनका टाइम पीरियड था, तो बिसंबर दयाल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। आसरा योजना कब लागू की गई, ये की गई दोस्तों 2013 में आसरा योजना लागू की गई, तो इस बात को याद रखें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा
विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई ये की गई है 1983 में, तो याद रखें 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 4 जनवरी को, तो इस बात को याद रखें 4 जनवरी को 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? इसकी अगर संख्या की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 है, ठीक, कितनी है 9 है, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व तो क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 828 है, 828, ठीक, कितनी है 828 है, तो याद रखेंगे आप लोग 828, ठीक, 828 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? लिंग अनुपात जो सबसे अधिक है दोस्तों वो है जौनपुर में, तो याद रखेंगे लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां पर है, जौनपुर में है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो दोस्तों राज्यपाल के जो कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे वो हैं श्री चंद्र भानु गुप्ता, ठीक, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, चंद्र भानु गुप्ता कभी राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को दूसरी भाषा कब घोषित किया गया? उर्दू को दूसरी भाषा जो बनाया गया ये बनाया गया 1989 में, उर्दू को दूसरी भाषा घोषित किया गया, पहली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? अगर इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा एन के मल्होत्रा का जो कार्यकाल है वो सबसे ज़्यादा रहा, ये 2006 में बनते हैं और 2016 में जाकर के हटते हैं, तो अभी हटे हैं कुछ दिनों पहले, मतलब 2 साल पहले, तो काफ़ी लंबा 10 साल का इनका कार्यकाल रहा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एक वीडियो में 40 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, इस वीडियो में हमारे 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ अगर मैं एक बार में ही 80 क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक, तो बोर नहीं होना, तो एक वीडियो में 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं और YouTube पर कोई भी 40 क्वेश्चन नहीं कराएगा, और मुश्किल से आप लोगों का दोस्तों 15 मिनट का वीडियो रहेगा ये, ठीक, 15 से 16 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप लोग 40 क्वेश्चन आराम से रिवाइज कर सकते हैं सारे के सारे, और इन क्वेश्चनों को रट लो। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको सरल लग रहे हो, को नॉर्मल सी बात है, सरल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं सारे कठिन आए, तो ये सारे के सारे करने हैं। अभी तो हमें 2000 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 2500 प्लस करने हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपनी अपनी कमर कस लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का उत्तर प्रदेश का भाग नंबर 2, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन है कि कन्या विद्या धन जो वितरित हुआ था वो 12वीं की कक्षाओं की छात्राओं को धन वितरित किया गया था, 30,000 रुपये दिए जा रहे थे उस टाइम पे, और अखिलेश यादव उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों ये है सारस, यहाँ का राजकीय पक्षी है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कुछ सरल भी आ जाते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी मतलब लॉयन सफारी कहाँ, इटावा में स्थित है, और इटावा के पास में ही पड़ता है सैफई, ठीक, सैफई इटावा के पास में पड़ता है, जो कि मुलायम सिंह यादव जी का गाँव है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो ये चरकुला जो नृत्य संबंधित है, मैंने जो नृत्य वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था अनअकैडमी पर कि ये ब्रजभूमि से संबंधित है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए चरकुला जो है, चरकुला से कहीं ना कहीं आप लोगों को साउंड निकल के आ रहा है चार केला साउंड निकल के आ रहा है, तो चार केला जो ब्रज के लोग हैं ब्रजभूमि के, तो एक बार में चार केले खा लेते हैं, तो इस तरीके से याद रखो कि चार केले कौन खाता है, मैं पूछूँ तो आप लोग कहोगे कि ब्रजभूमि के लोग खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात है कितना? लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है, तो जल्दी बताइए। तो जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, 912 हो जाएगा, यहाँ पर 912 लिंग अनुपात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कत्थक में घुंघरू बांध करके डांस किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? सोलर ऊर्जा जो संयंत्र प्रारंभ किया गया दोस्तों वो अलीगढ़ में किया गया, कितना था, 660 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया था, तो इस बात को भी याद रखें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों ये ऐसी भी एक जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो ये थारू जनजाति, ठीक है, योगी जी को पता नहीं है इनके बारे में, वरना इनके तो
कोई बात नहीं, थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित पक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की? तो दोस्तों ये अपना उत्तर प्रदेश है, यूपी, याद रखें। नेक्स्ट है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया वो है अलीगढ़। अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक की रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि उस टाइम मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव थे, तो किस लिए किया गया? दोस्तों ये किया गया था क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी के लिए। इस टाइम पे क्या किया था अखिलेश यादव जो सरकार थी उनकी, तो ये जो टाइम था 7 नवंबर 2015 को, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इन्होंने 10 लाख पौधे एक ही दिन में लगवा दिए थे, वृक्षारोपण करवाया था 10 लाख का, तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम लगभग 52,000 थी, और अगर आज के टाइम आपसे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आज के टाइम आप लोग क्या करोगे, लगभग 59,000, ठीक है, 59,000 ग्राम पंचायतें हैं अप्रॉक्स, अप्रॉक्स में बात चल रही है। किसी को एग्जैक्ट पता हो तो ये मत कहना कि सर अप्रॉक्स नहीं इतना होता है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, 59,000। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख लोकगीत की हम बात करें तो दोस्तों ये बिरहा है, बिरहा, ऑप्शन नंबर दूसरा, बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों चावल में है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, पश्चिम बंगाल पूरे भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का जो संबंध है दोस्तों वो है कथक से, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कथक से बिरजू महाराज का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मथुरा जो है वो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बनारस से, बनारस मतलब वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप लोग इन बातों को याद रखें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग तक चलना इसका प्रस्तावित है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस दोस्तों 1950 में उत्तर प्रदेश बन जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक, और 1877 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था, तो याद रखेंगे ये जो बना हुआ है कि 1950 में बना था, नॉर्मल ये बात याद रखें बस। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग फर्स्ट हैं, और हम लोगों से पहले 3 राज्य कौन कौन सी ये भी जान लीजिए, ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ठीक, याद रखें। कुल मिलाकर के अगर अपने एरिया की बात करें उत्तर प्रदेश का जो कुल एरिया है वो है दोस्तों 240,928 वर्ग किलोमीटर, ये अगर पूछा जाता तो याद रखना 240,928 किलोमीटर, ठीक। पूरब से पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर, और दोस्तों उत्तर से दक्षिण में ये चौड़ा कितना है, 240 किलोमीटर चौड़ा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आज के हो गए हैं, ठीक, तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही बार में मैं लगभग आधे घंटे का वीडियो बना दूँ तो उसमें लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे 5 वीडियोज़ हैं तो 5 वीडियोज़ में एक साथ मैं कंबाइन कर दूंगा, आप लोग एक ही बार में देख करके सारे क्वेश्चन निपटा सकते हैं। दोस्तों जब मुझे बोलते बोलते क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आपको तो देखना है एक दो बार और आप लोगों को भी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इन 20 दिनों में हम लोग दोस्तों 2,500 प्रश्न याद कर लेंगे, और आप लोग देखेंगे। और जो लोग ज़्यादा ही मतलब पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर दोस्तों इतने क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई है केवल वीडियो के एग्जाम के लिए, कि अगर आप इतना कर लेते हैं जीएस में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के दोस्तों 35 से कम नंबर आएंगे, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर भी कराऊंगा पर वहाँ पर लगभग 4,000 प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक, 4,000 प्रश्न हैं, तो सारे के सारे कैटेगरी वाइज हैं। और मेरी खास तौर पे जो ट्रिक फेमस है वो है दोस्तों कवियों की 500 अति महत्वपूर्ण ट्रिक्स, तो हिंदी में सारी चीज़ें याद हो जाती हैं पर लेखकों को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप वहाँ पर जाकर के देखिए। ये वाली मेरी वीडियो यूट्यूब पर भी एकाद है, तो वहाँ पर ये दोस्तों लगभग 35 से 40 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने 500+ कवियों को कवर किया हुआ है,
तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप लोग बताइए, और अगली वीडियो मैं शाम तक अपलोड करता हूँ, ठीक है। एक दिन में लगभग दोस्तों लगभग 125 से 150 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज दूसरा दिन है हमारा, पार्ट टू था, इसके बाद अगला पार्ट भी आएगा जिसमें यूपी के 3 वीडियोज़ रहेंगे, ठीक। आप लोगों का कैसा लग रहा है, और अनअकैडमी ज़रूर फॉलो करें मुझे जा करके, क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में आप लोग जितना दोस्तों पढ़ के कर सकते हो उतना आप लोग अपनी तरफ से बुक से भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जितना वीडियो देख करके कर सकते हैं, और मेरा दावा रहता है कि एक घंटे में लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चन कराने का, वो मैं सच बोलता हूँ, 100 क्वेश्चन कराता हूँ। और जिन लोगों को लगता है ये सब नहीं हो सकता, तो आप मेरी लाइव क्लास में आइएगा, मैं 100 क्वेश्चन मुश्किल से 50 मिनट में करा देता हूँ। पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं है जो एक घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराए। बातें बनाने की तो कोई भी बना ले, पर जो रियलिटी में वर्क कर रहा हूँ मैं दोस्तों, 5 महीने से लगातार लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं आज फिर रात 8:30 बजे लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।